यह है गैलेक, पहुंच चुका हूं मैं ठीक 1 घंटे में। और गैलेक से अभी ऊपर को हल्की सी चढ़ाई, जो शॉर्टकट रास्ता है TRC का कुमाऊं मंडल की ओर चलता हुआ, ये मेडोज, बहुत ही सुंदर घास का मैदान। और इस मैदान में आप कभी बहुत सुंदर मौसम पे दिन में आके पैक लंच लेके खाना खा सकते हैं, डे पिकनिक लंच स्पॉट। अपने आप में अद्भुत दृश्य, चारों ओर घने जंगल, बिल्कुल शांत माहौल। अब बुरांस का पेड़ है लाल, बहुत खूबसूरत, और मैं चढ़ रहा हूँ चढ़ाई। भाई साहब, ये जो चढ़ाई है बहुत ही ख़तरनाक, और बिल्कुल खलिया टॉप या धाकुड़ी की चढ़ाई की तरह दिखती है। और आप देख सकते हैं कितना कितनी खड़ी चढ़ाई है ये। इसमें पहाड़ी आदमी की भी वाट लग जाती है चलने में। यह काफल का पेड़ मिल गया भाई साहब, ये देखो छोटी छोटी काफल के दाने दिखाई दे रहे हैं अभी। ये लाल पेड़ पे ही आप काफल आराम से देख सकते हैं, बहुत ही। यहाँ पे कुक्कू भी आता है, जो यूरेशियन कुक्कू, और वो बहुत सुंदर आवाज़ में बोलता है काफल पक्को। और ये पेड़ है बहुत ही अच्छा, लाल हो रहे हैं भाई साहब। इसको हम अभी देखते हैं टेस्ट करके कैसा है यहाँ पे काफल। बड़े टेस्टी है, यम्मी। और इससे पहले हल्की सी बारिश हुई थी, हल्के से पानी और भीगे हुए हैं, और भी यम्मी टेस्टी लग रहे हैं। कभी पहाड़ में आओ, काफल खाओ। ये भी एक अपने आप में, यहाँ के काफल, हिसालू और किलमोड़ा, बहुत खूबसूरत फल जो मौसम के अनुसार आते हैं, और लोग इनको बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। ये सारे मेडिसिनल वैल्यू पर्पस भी है। और पहाड़ में तो आजकल काफल मिलता ही कहाँ, बहुत कम पेड़ रह गए। ये आप देख सकते हैं काफल मेरे हाथ में, ये बहुत ही खूबसूरत, और जब कच्चे होते हैं दिख रहा है एक हरा है और बाकी पके हुए हैं, और हरे को फेंक देना है, और आप कच्चे काफल खाना है आपको, खाना नहीं है, कच्चे काफल आपको फेंक देने हैं, और वो चटनी के काम आते हैं। और ये लाल पके हुए काफल आप खा सकते हैं। आप दूसरे को भी बताएं, पहाड़ में मेहनत करें, काफल खाने के लिए भी हाँ मेहनत करनी पड़ेगी भाई। अरे ट्रैक है, प्रॉपर ट्रैकिंग जिसको बोले एडवेंचर। आप देख सकते हैं खूट, कोई रास्ता बना नहीं है यहाँ पे। मैं चढ़ रहा हूँ धीरे धीरे चढ़ाई, ये आपको रूबरू करा रहा हूँ पहाड़ की ट्रैकिंग से, विंचर बर्ड वॉचिंग यूट्यूब चैनल के द्वारा। आप विंचर आए, इस टाइप की ट्रैकिंग को फॉलो करें, आनंद लें पहाड़ का। फिर मौसम ख़राब, और मैं बहुत जल्दी छाता खोलता हूँ क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है।